हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग टेरोक्स पे ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो एक मंथली रीडिंग होगी और लास्ट टाइम मैंने लिया है पाइसिस स्पाइसिस यानी कि मीन राशि मीन राशि वालों का ये माँ कैसा जाएगा हम देखने वाले हैं पहले लव लाइफ देखेंगे उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे ठीक है यानी कि करियर ठीक है सबसे पहले देखना चाहूँगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है इन दिनों यानी कि जुलाई में यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें स्पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताइए क्या एनर्जीज़ है आईसीस के पार्टनर की एनर्जीज जुलाई में लव लाइफ ऑल राइट विक्ट्री हैप्पी फैमिली एंड थिंकिंग मैन ओके अप्रिसिएशन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है विक्टोरियस होना चाहते हैं शादी वगैरह कमिटमेंट की सोच रहे हैं किसी से राय ले रहे हैं ऐसा लग रहा है आप कोई बहुत अच्छा पार्टनर समझते हैं लेकिन चॉइसिस तो इनके पास दिखाई दे रही है ठीक है तो ये विक्ट्री चाहते हैं और कहीं ना कहीं शादी या कोई फैमिली इशूज़ से फेस कर रहे हैं आप दोनों ये मुझे यहाँ पर लग रहा है ठीक है ये इस बारे में किसी से राय ले रहे हैं ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है चलिए और देखते हैं कि इनकी एनर्जीज और जुलाई में क्या है स्पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी बताइए रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं पाइसिस के पार्टनर टेन ऑफ पेंट कस वाओ फीलिंग्स क्या है स्पाइसिस के पार्टनर की फोर ऑफ वन्स एक्शन क्या लेंगे जुलाई में नाइट ऑफ शॉर्ट्स चाहते क्या हैं पाइसिस से इनके पार्टनर चाहते क्या है पाइसिस से? से चाहते क्या हैं ओके फोर ऑफ कप्स और यहाँ पे देखिए बॉटम में नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये देखिए श्योर हैं आने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास आएंगे ये रिलेशनशिप को ऐसे ही देखते हैं कि आपके साथ सेटल होना है आपकी फ़ैमिलीज़ इनकी फैमिली मिलके कोई ट्रेडिशनल मैरिज के सोच रहे हैं आपको कैसे देख रहे हैं आपके लिए फ़ीलिंग्स ये है कि आपके लिए फीलिंग शादी की है आपके साथ एक कोई नया घर बनाना चाहते हैं घर बसाना चाहते हैं शादी चाहते हैं आपके लिए एक्शन क्या होगा यस yes, ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत से लिटरली किसी की शादी मुझे होती हुई नज़र आ रही है इनकी तरफ से मैं एक्शन देख पा रही हूँ कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रहा है एक्शन लेने की सोच यहाँ पे आपसे चाहते हैं कि आप किसी और ऑप्शन को मत देखो आप सिर्फ इन्हीं का वेट करो ये चाहते हैं ऐसा ठीक है <laughs> तो ये मुझे इनकी एनर्जी लग रही है बहुत अच्छी एनर्जी पाइसिस आप जिनसे डील कर रहे हो एरीज लियो सेजिटेरियस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं टॉरस वर्गो कैप्टिकॉन भी हो सकते हैं लेकिन साइन पर मत जाइएगा साइन कुछ भी हो सकता है ठीक है पाइसिस के आप पाइसिस में देखने वाली हूँ आपकी एनर्जीज जुलाई माह में कैसी है इनके लिए क्या है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं पाइसिस की एनर्जी बताइए यानी कि मीन राशि के वालों की एनर्जीज़ बताइए जुलाई माह के लिए क्या है Yes, strong warning, adjacent possibilities. एंड डोर टू स्प्रेड देखिए आप कुछ बदल रहे हैं यहाँ पे कुछ सच बताना चाहते हैं आपकी तरफ से मुझे थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी अनबैलेंस लग रही है मुझे आप आने वाले तूफ़ान से घबरा रहे हैं कुछ वहम है आपके कुछ आपको डर है किसी चीज़ का आने वाले तूफ़ान से घबरा रहे हैं कोई ब्रेकअप जैसी है कोई आने वाली तूफ़ान आ रहे हैं लेकिन तूफ़ान तो आके चले जा चुके हैं आपसे कहा ही जा रहा है कि आप जिस बात को डर समझ रहे हैं वो सिर्फ आपका वहम है आप आप कहीं ना कहीं अपने अनकसिडर ऑप्शन को चेक करें किसी डर के मारे अदर ऑप्शनस को चेक करना चाहते हैं फैमिली शूज़ हो सकते हैं आपकी फैमिली नहीं मान रही आप एक बदलाव से गुजर रहे हो नई शुरुआत करना चाहते हो और सच बोलना चाहते हो ठीक है ये क्या बात है आप अपनी रिलेशनशिप में जितना मैच करें उतना ही लीजिएगा लेकिन पैसेज आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप नॉट श्योर sure हो ठीक है अभी श्योर नहीं हो आप और ये जो इंसान है आपके लिए बिल्कुल श्योर है ठीक है ये आपके लिए कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना चाहते हैं कमिटमेंट वाली बात है इनके पास आपके लिए और क्या है आप इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं यूनिवर्स गाइड कीजिए आप आप अपने अदर ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं ये आपके लिए फ़िक्स हैं ऐसा आपको लग रहा है चलिए देखते हैं आप इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ नाइट ऑफ वॉन्स आप सिर्फ कैजुअली देख रहे हो आप सीरियस नहीं हो जबकि वो सीरियस हैं ठीक है स्पाइसिस ये क्या बात है आप अपनी देखिएगा आपकी फ़ीलिंग्स क्या हैं स्पाइसिस की फीलिंग बताइए इनकी पार्टनर के लिए इस ऑफ वॉन्स पैशनेट बहुत हैं शुरुआत चाहते हैं डेफिनेटली और आपके एक्शन क्या होंगे इनवर्स गाइड कीजिए हमें एक्शन क्या है पाइसिस के सिक्स ऑफ पेंटिकाज इक्वल गिवन टेक करेंगे आप इनकी विश हैं लेकिन विश के साथ कुछ परमानेंट भी होना चाहिए ठीक है तो पाइसिस आप अपना माइंड बनाइए कुछ ना कुछ अदर ऑप्शन को चेक करना बंद कीजिए आप एक्चुअली चाहते क्या हैं इनसे स्पाइसिस के पार्टनर से स्पाइसिस चाहते क्या हैं पेज ऑफ पेंटिकस्ट यानी कि आप शुरुआत चाहते हो किसी बात की शुरुआत आप एस ऑफ कप्स यानी कि नई शुरुआत चाहते हो एक दोबारा शुरुआत करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है यस पूरी ओवरऑल मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आप थोड़े से नाइट की एनर्जी में हैं और ये डेफिनेटली किन की एनर्जी में यानी कि ये सच बोल के बहुत सॉलिड कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप नॉट श्योर की एनर्जी में है इक्वल गिवन टेक आपकी तरफ से है फीलिंग्स में आप पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं यस yes, आप एक न्यू लव की एनर्जी में है यानी कि दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो सकता है कि आपसे बातचीत नहीं हो रही हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो ये मुझे यहाँ पर लग रहा है तो ऐसा लगता है है कि आप अभी पूरी तरह श्योर नहीं हो उनके लिए ठीक है तो ये आपकी स्टोरी लाइन है अगर आपको कुछ भी मैच हुआ आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको आ, अपनी लव लाइफ के बारे में शेयर करना बिल्कुल कीजिएगा ठीक है मैं आपके मैसेज जरूर पढ़ती हूँ चाहे देर सवेर पढ़ ही लेती हूं ठीक है आप चलते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी वो हम चेक कर लेते हैं पाइसीज यानी कि मीन राशि ऑल आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देख लेते हैं ओके मीन राशि प्रोफेशनल लाइफ जुलाई माह करियर कैसा रहेगा मीन राशि वालों का करियर कैसा है क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं चलिए चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले ब्रीथ ऑल डेट ग्लीटर ट्रुथ बी टोल्ड ओके और यहाँ पे राउंड एंड राउंड देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई पुराना कुछ करते थे उसमें आपको डेफिनेटली लॉसेस हुए या फिर कुछ जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ करियर साइड में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप पिछली एनर्जी से घबरा रहे हैं अगर पिछला को, कोई पुराना काम जो चल नहीं रहा था तो वो वापस वैसी ही सिचुएशन कुछ क्रिएट हो रही है और आपके सामने ऐसे सरकमस्टांस हैं कि आप पुरानी चीज़ को दोहराना नहीं चाहते तो आपसे कहा ही जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और उन चीज़ों को समझिए जो कि आपके लिए ज़रूरी है ठीक है यानी कि पुरानी चीज़ दोहराने की जरूरत नहीं है कुछ नया कीजिए अगर वही सिचुएशन वही पैटर्न चलाते रहेंगे तो सही नहीं है ठीक है कुछ बदलने की जरूरत है आपको ठीक है अपने काम के हिसाब से अपनी पढ़ाई को लेकर चाहे जो भी करते हैं आप उसमें कुछ बदलने के लिए कहा जा रहा है ठीक है रिपीटेशन अच्छे नहीं है आपके लिए ठीक का है डिप ब्रीथ का कार्ड है यहाँ पे कहीं कही ना कहीं आप पेशेंटली नो टेंशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जहाँ पे आपको शाइनी थिंग्स दिख रही है यानी कि ग्लीटर्स के पीछे भाग रहे हैं कुछ चमकने वाली चीज़ें हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती इसलिए अवेयर हो जाइए जहाँ पर आपकी नज़र किसी चमकीली चीज़ पर है तो मान के चलिए हर चमकीली चीज़ सोना नहीं होती ठीक है तो परखने की जांचने की आपको ज़रूरत है सच्चाई जानने की ज़रूरत है फैक्ट आपको जब मालूम होगी तो ही आप कुछ कर पाओगे ठीक है प्रॉब्लम यह है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ग्लीटर्स को देख रहे हो उसकी जो नेचुरल चीज़ है उसको नहीं पकड़ रहे हो ठीक है तो चाहे जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप नो no टेंशन की स्थिति में पेशेंस रख के चल रहे हैं लेकिन आपको ये कहा जा रहा है पेशेंस तो आप चाहे रखिए लेकिन कहीं ना कहीं आपको सच्चाई जानने की ज़रूरत है टूट ट्रुट बी टोल्ड यानी कि कहीं ना कहीं आप फैक्ट को नहीं देख पा रहे हो फैक्ट को देखने की जरूरत है अगर आप फैक्ट के बारे में समझ जाओगे तो आगे चीज़ें आपकी सही होगी ठीक है आप मेरे मतलब अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि आपकी सिचुएशन में ये मैसेज कहीं ना कहीं जुड़ रहे होंगे ठीक है चलिए देखते हैं कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी क्या सिचुएशन है क्या मिल सकता है आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पाइसिस क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए मीन राशि नाइन ऑफ़ कप्स कुछ ना कुछ विश फुलफ़िलमेंट वाली बात हो रही है जो आप रिस्क लेके काम कर रहे हैं तो वो रिस्क के काम आपके लिए बहुत अच्छे होंगे कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए तो रिस्क लेना आपके लिए सही रहेगा आपकी कोई विश पूरी हो सकती है अगर आप बिजनेस करते हैं कोई तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है यस yes, आपकी चीज़ें प्रोग्रेस होगी आपका धंधा एक जगह से कहीं जगह दूसरी सिटी में शहर में या फिर दूसरे देश में भी पहुंच सकते हैं कि फॉरेन वगैरह में पहुंच सकते हैं आपका बिज़नेस तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके जो भी सिचुएशन है उसमें स्प्रेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ने कहीं ना कहीं आपका जो कारोबार है या बिज़नेस है वो कहीं आगे तक पहुँचने वाला है कहीं लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुँचने वाला है ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर अगेन फूल की एनर्जी येस फूल की एनर्जी जब आती है तो यस आपके सिचुएशन में आपको रिस्क लग रहा है लेकिन ये जो आपका अब्रॉड बिजनेस है या जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली एक रिस्क ही लग रहा है पर वो काम जो है आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा डेफिनेटली ये रिस्क लेना आपके लिए जरूरी है ठीक है आपके आपका जो प्रोफेशन है बिजनेस है वो कहीं ना कहीं बाहर तक फैलेगा ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओवरऑल आप चाहे कहीं से भी काम कर रहे हो चलिए देखते हैं कि अगर आप बिजनेस सॉरी जॉब कर रहे हैं सरकारी या प्राइवेट जॉब है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है यस yes. आप कहीं ना कहीं हिम्मत और ताकत बनाए हैं आपने ना नहीं किया है किसी के लिए ठीक है तो सच्चाई आपके सामने आने वाली है आप हिम्मत और ताकत से काम लेंगे कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि नौकरी के आपसे आपके पास ऑप्शन बहुत है तो किस नौकरी को चुने आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आप से सच बोलिए जो आप काम करते हैं उसी काम को चुनना है आपको अदर अदर फील्ड को नहीं जाना है किसी और काम को तभी चुनिए जब आप उसकी नॉलेज रखते हैं ठीक है तो जो आप नॉलेज अपने आप से सच कहेंगे तो सच सब सही रहेगा ठीक है प्रोग्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कन्फ्यूजन ये है कि आप जिस चीज़ को करना चाहते हो उसके लिए आपकी नॉलेज आपकी गट फीलिंग आपको गवा देगी कि क्या काम करना चाहिए तो जॉब को लेकर आपको कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा विचार कीजिए थोड़े दिन दो दिन रिलैक्स करके तीसरे दिन डिसीजन लीजिए लेकिन कन्फ्यूजन में कोई डिसीजन मत लीजिए ठीक है तो ये आपकी करियर साइड से रीडिंग थी कुछ भी आपको समझ आए बिल्कुल फीडबैक जरूर दे सकते हैं आप थैंक यू सो मच बाय